खरगोन जिले के भगवानपुरा में लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही करते हुए 3,000 रुपए की रिश्वत लेते अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाटीदार को गिरफ्तार किया है। शासन की मनरेगा योजना के तहत लघु तालाब निर्माण के लिए आवेदक को 2,00,000 रुपए स्वीकृत हुए थे। इसी निर्माण हेतु स्पॉट वेरिफिकेशन करने के लिए आरोपी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा अशोक पाटीदार जनपद पंचायत भगवानपुरा द्वारा फरियादी होशियार सिंह चौहान से 5,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें 2,000 आरोपी द्वारा दिए जा चुके थे। लोकायुक्त टीम द्वारा आज आरोपी को रिश्वत की शेष राशि 3,000 लेते हुए जनपद पंचायत भगवानपुरा में रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत की राशि आरोपी द्वारा आवेदक से लेकर अपनी मीटिंग डायरी में रख ली थी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या मामला हो गया सर? होशियार सिंह चौहान निवासी ग्राम उमरिया ने दिनांक 6/1/2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की कि उसे मनरेगा योजना के तहत मिनी तालाब निर्माण हेतु 2,00,000 रुपये स्वीकृत हुए थे। उक्त तालाब के निर्माण कार्य का स्पॉट ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए अशोक पाटीदार अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। हमारे द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अशोक पाटीदार को रंगे हाथ पकड़ा गया। कितने बजे पकड़ा गया? दोपहर में। कहाँ पर पकड़ा गया? उसी के जनपद पंचायत कार्यालय में। दिनेश चंद पटेल, DSP लोकायुक्त। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।